भगवान का कुछ शुक्र किया। उससे दादा मैंने लड़की का तो शुक्र किया कि जिसके वजह से आपकी जान बचाई थी, छोटी बच्ची जिसको आपने गोद में लिया हुआ था। ओहो, मैं एक पठान दूसरे को जोक करता है, ठीक है, ओए ओए शेख का बच्चा मेरे मेरी तरफ इशारा किया, ये शेख का बच्चा है, सिख का बच्चा। मैंने पगड़ी बांधी थी, तब तक पगड़ी थी, बाल नहीं कटे थे, कुछ नहीं थे कटे थे जी। ये सिख का बच्चा अपने राइफल उसने कंधे से उतारे, सूखा बाजरा, सूखा बाजरा खा करके आप जिंदा रहे, खा के वही मैं उसके मुंह में डालता था, छोटी बच्ची के प्यास उसको लगती थी, थूक अपना डालता था। जवान बच्ची कोई बच्ची नहीं, मैरिड जो थी, नई मैरिड हो या कुछ हो, वो कोई वापस नहीं आई, उनको सब उन्होंने वो सब जो आता था पसंद की निकल गया, पसंद की निकल गया रहा था। फिर कहने लगे जी चलना है, चलो, प्यास पुस भी लगी थी, कुछ नहीं थी, तो मैं बाहर जो है, फिर बच्ची भी रो रही थी, तो उसको मैंने थोड़ा सा साइड में आगे मैं आ गया, ये काफला बाकी खड़ा था, मैं थोड़ा आगे आ गया जी। जब पीछे देखा तो मैंने कहा ये तो इलाका अपना लगता है, सामने जी। देखा जी तो सामने जो है मेरे नानी की का मकान था। ओहो, नानी के घर पहुंच गए आप? ना जी, नानी तो हमारे साथ ही थी ना घर पर, हाँ। दुकान तो बंद करके आ गई थी ना जी। मैं कहा ये तो नथाया गांव है, हाँ। तो वो हमारा है, उस गांव में जहाँ पर हमारी नानी दुकान करती थी जी, तीन घर थे, दो घर मोचियों के, एक घर नानी का, और रहती थी वही। तो हफ्ते 10 दिन में मैं आता था, रास्ता तो वही था, कभी कभी तो गांव के अंदर से मैं आ जाता था जी, कभी कभी खेतों से पहले निकल के तो निकल आता था, तो कई दफ़ा गांव वालों ने भी कहा और मेरी नानी ने कहा खेत में से मत आया करो, कभी कोई कीड़ा मकोड़ा हो जाता है, हाँ। तो तुम सीधे रास्ते में आए। फिर मैं जिसने अपने घर की तरफ देख रहा था तो मेरी तरफ आपने उनको टोक किया, कुछ कहा, अच्छा इशारा करके कुछ बोला, इशारा करके कुछ कहा, वो मुझको पहचान गया, अच्छा, क्योंकि मैं आता था ना, हाँ, मगर नज़दीक कोई नहीं आया, पठान थे वो लोग, पठान थे ना, मैं नज़दीक कोई नहीं आया, ठीक है, तो मैं पहचान गया कि इसने मुझे पहचान लिया है, हाँ। फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया आपको? नहीं, नुकसान तो फिर वहाँ तक किसी को नहीं पहुंचाया, फिर काफिला दूसरे मंजिल पर जाना था, ठीक है, तो वो फिर गांव से बाहर निकले तो मेन रोड पर कच्ची रोड होती थी, ये मिट्टी के रोड़े होते थे ना जो सख्त होते हैं, उसकी रोड थी, कच्ची सड़क, हाँ। कच्ची रोड, तो उस रोड पर हम लोग आपको ले गए, तो वो मुझे रास्ता भी पता था कि उधर था एक बहुत को, वहाँ पर पानी जो है छप्पड़ का पिया जाता था, कहे का छप्पड़ तालाब का पानी, तालाब का पानी। जब मैं जाता था तब एक आध बाल्टी मेरी नानी जो है किसी को कह के तो कुएं से निकलवाती, भूख लगती थी तो क्या खाते थे आप? अभी तो कुछ खाया नहीं, ना पानी पिया ना कुछ किया। कितने दिन तक नहीं खाया थी आप लोगों ने? हमको तो कायदे से 9 दिन कुछ नहीं मिला, 9 दिन में हमको एक दो दफ़ा हमको इतना इतना बाजरा मिला, सूखा बाजरा खा करके आप जिंदा रहे, खा के वही मैं उसके मुंह में डालता था, छोटी बच्ची के प्यास उसको लगती थी, थूक अपना डालता था, बाहर निकला तो वो कना आ गया, वहाँ कभी कभी मैं नहाने चला जाता था जी, तो वहाँ से सब लोगों ने पानी पिया पूरे काफले में। क्या क्या था, तालाब था कोई?
तालाब था, मगर वो तालाब साफ रहता था, साफ रहता था। उसके हमारे गांव के एक इस साइड में और एक इस साइड में दो तालाब थे, ये तालाब सही था और दूसरे तालाब में कपड़े धोवो नहाओ धोवो बस जानवरों को पानी पिलाओ दो। दो दिन बाद कहीं वहाँ पर से हम निकले तो लड़की बहुत रो रही थी, प्यास लगी थी, मैं बहुत परेशान था जी, थूक थूक कितना मैं उसको पिलाऊँ जी, पानी के रिक्वेस्ट की, कहते इधर पानी कोई नहीं, तो रो रही थी तो मैं कमरे से बाहर उसको ले आया। इतनी देर में दो पठान आए बाहर से, अभी वो कमरे में गए नहीं, बाहर ही आए, सीधे आ गए, मैं यहाँ पर हूँ लड़की को टहला रहा हूँ तो 10-12 गज की दूरी पर वो आके खड़े हो गए, दो पठान, हाथ में नंगी तलवार और बाकी राइफल है उनके कंधे पर। थोड़ी देर तो देखते रहे फिर थोड़ी एक पठान दूसरे को डॉग करता है, ठीक है, ओए ओए शेख का बच्चा, मेरी तरफ इशारा किया, ये शेख का बच्चा है, शेख का बच्चा। मैंने पगड़ी बांधी थी, तब तक पगड़ी थी, बाल नहीं कटे थे, कुछ नहीं थे कटे थे जी। ये सिख का बच्चा, अपने राइफल उसने कंधे से उतारे, हाँ, तो दूसरे ने पता नहीं क्या अवस्था उसका हुआ, उसने कहा नहीं नहीं मत मारो इन्हें, मासूम है ये, मासूम है, और इसके गोदी में एक और मासूम है, आए है रियली। वो इतना था उसने कहा, इतना किया तो उसने जो है पठान दूसरे पठान को ले गया, तो मैं जो है भगवान का कुछ शुक्र किया, उससे ज़्यादा मैंने लड़की का जो शुक्र किया कि जिसके वजह से आपकी जान बचाई थी, छोटी बच्ची जिसको आपने गोद में लिया हुआ था। ओहो बड़ी दर्दनाक कौन होती, मुझे मार देता है, सही बात। फिर हमारा दो दिन के बाद काफरा के से ऑर्डर आया, इनको अली बेग ले जाओ, अली बेग जी, अली बेग हमारे पूर्वज हमारे संत होते थे जी, कानपुर के संत होते थे आप मालूम है, हाँ जी हाँ जी, ये इनके बड़े जी, उन्होंने गुरुद्वारा बनाया था वो जी, हम जाते थे छोटे थे हमारे फादर साथ ले जाते थे घोड़े पर बिठा के जी, तो अभी हम पहुँचे नहीं तो वहाँ पर फिर जब हम पहुँचे शाम के टाइम तो हमको मेन गुरुद्वारे में तो काफ़ी तादाद में थे, उसके साथ की बिल्डिंग भी होती एक और उसमें कुछ लोग खड़े थे, तो इतनी देर में जो है किसी ने हमारी बिल्डिंग से निकल के मुझे पहचान लिया तो उस दूसरी बिल्डिंग में गई जी, तुम्हारी नानी को जो है जी कहा आप खजो दोता जो है वहाँ पर जी बेटी को गोद में बोल, वो नौवा दिन था, 9th, आप नानी से बिछड़े हुए थे, 9 दिन बाद नानी से मिले, नानी थी, माँ थी, छोटी बहन थी जी, छोटा भाई था जी, और हमारी मामी थी जी, हमारी नानी का भाई था, पिताजी नहीं बचे थे, पिताजी तो वो दूसरे काफले में ख़त्म हो गए, इनको जब लाए थे तब बाकी बता रहा हूँ जी, और ये भी अलग अलग पकड़े गए होंगे, और एक दो रिश्तेदार था जी, तो अब ये दरबार हाल है ये वाला जी, चार कोने होते हैं ऊपर गुम्बद जी, यहाँ प्रकाश होता है गुरु साहब का बिल्कुल,
एक कोना जो था हमारे माँ ने नाने ने रोक लिया, सामने वाला था मामी था उनके वो था वो भी तो बाकी एक दो हिंदू फैमिली थी एक उधर वो थे। अब 9 दिन के बाद जब पहुंची तब मुझे नाने लेके गई तो 9 दिन वो भूखी प्यासी थी तो वहाँ का दूध ख़त्म हो गया था सूख गया। फिर एक आध दिन किसी ने दूध किसी औरत ने पिलाया था, फिर ने उसको कुछ भी करते थे गर्दन उसने खोल दी थी, बेहोश हो गई थी। यानी कि अपनी 9 दिन मेरे पास रही है। हाँ 9वें दिन वहाँ पर ख़त्म हो गई। खत्म हो गई। ओ माय गॉड। और उसी बच्चे की वजह से आपकी जान बची, कितनी दर्दनाक कहानी होगी। बाकी मैं जानी उसको गोद में ले कर तो एक आध फरलांग के दूर पर जी बहुत बड़ी नहर है जो जी बंगला नहर कहलाती है जी अंग्रेजों ने बनाई थी जी, झेलम से निकल के तो स्टेट के अंदर आती थी जी, वो वहाँ पर उसको उसको जल प्रवाह कर दिया। एक दो दिन बाद मैंने पूछा ये आदमी कौन है सामने वाले जी, इसका मैंने मुंह में नहीं देखा और ऐसे से झुका के तो बस कोने में पड़ा रहता है। तो नानी मेरी कहने लगे कि ये मेरा भाई है। बेहोश हो गए थे वो? नहीं, जान बचाई थी। जान बचाई, उनके बाल बोल कटवा दिए थे। ओके, मोड़े हो गए थे वो। वो बड़े थे ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे फादर के साथी थे। अली बेग से फिर किधर बढ़े आप? बेग में हम लोग लगभग 5 महीने रहे। 5 महीने रुके वहाँ गुरुद्वारे में। फिर कुछ राशन रोशन मिलता रहा था। लड़कियाँ लुड़कियाँ चली गई, औरतें बड़ी उम्र के होते थे, बुढ़े थे, सिख थे, सारे मार दिए गए। जितने जवान जवान हिंदू थे उनको भी मार दिया। बाकी बच्चे और बुढ़े इतने बच्चे थे। लड़कियाँ